नमस्ते बच्चों, आप सबका हिंदी क्लास में स्वागत है। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, तो देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने दो चीज़ें रखे हैं, ठीक है। एक ये है हेयर बैंड और एक ये है कलम, ठीक है। तो अब मेरा सवाल ये है कि इन दो वस्तुओं में से कौन सी एक वस्तु नरम है। तो इसे पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाँ, सही कहा, हमें तो इन वस्तुओं को छूकर पता करना है कि कौन सी वस्तु सख्त है या नरम, यानी कि सॉफ्ट या हार्ड है। तो चलो छूकर देखते हैं। पहले इस कलम को छूकर देखते हैं, टच करके देखते हैं, ठीक है। नहीं तो ये तो नरम नहीं है, ये तो बेहद सख्त है, यानी कि हार्ड। फिर अब इस हेयर बैंड को छूकर देखते हैं। हाँ, ये तो एकदम नरम है। तो बच्चों, इन दोनों में से कौन सी वस्तु नरम है? हाँ, ये हेयर बैंड नरम है, यानी कि सॉफ्ट। तो बच्चों, हमें कैसे पता चला कि ये हेयर बैंड नरम था? सही कहा, छूकर, यानी कि टच करके। और कैसे हम अनुभव कर पाते हैं, यानी कि सेंस कर पाते हैं कि वो चीज़ सख्त है या नरम है? सही कहा, हमारी त्वचा से, यानी कि हमारी स्किन से। तो बच्चों, आज के तीन वर्णों वाले शब्द का गठन करना सीखेंगे, और वो है नरम। हाँ, यानी कि सॉफ्ट, नरम। तो बच्चों, सभी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो बच्चों बताइए, ये कौन सा वर्ण है? हाँ, ये है न। न से क्या होता है? सही कहा, न से नाक, और नाक से हम क्या करते हैं? सही कहा, सूंघते हैं। तो हमारा दूसरा वर्ण देखते हैं, बताइए ये कौन सा वर्ण है? सही कहा, ये है र। र से क्या होता है? र से रथ। र के बाद हमारा तीसरा वर्ण देखते हैं, बताइए ये कौन सा वर्ण है? सही कहा, ये है म। म से क्या होता है? म से मछली। सही कहा बच्चों। तो बच्चों, अब हम शब्द का गठन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये मैंने न के पास र जोड़ दिया, और र के पास मैंने हमारा तीसरा वर्ण जोड़ दिया, म। तो बच्चों, इन तीन वर्णों को मिलाकर कौन से शब्द का गठन होगा? सही कहा, नरम। न र म, नरम। तो बच्चों, समझ में आया? तो चलो अब हम हमारे कॉपी में भी लिखना सीखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो बच्चों, अपनी कॉपीज निकालिए और हिंदी का पेज खोलिए, ठीक है। यहाँ पर हम CW यानी क्लास वर्क लिखेंगे, और उसके नीचे आज का डेट। आज का डेट है 28 जनवरी 2022, ठीक है। फिर ऊपर हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, नरम, ठीक है। न प्लस र प्लस म, नरम, नरम, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। तो अब हम एक चित्र बनाएंगे, टेडी बेयर भी तो नरम होता है, तो एक टेडी बेयर का चित्र बना देंगे, ठीक है। ये हम एक गोला बनाएंगे, ऊपर दो कान, दो आंखें ऐसे, और ये मुंह। फिर और ऐसे पैर बना देंगे, ठीक है। ये देखिए,
ये हो गया हमारा प्यारा सा टेडी बेयर। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे न र म नरम, ऐसे करके आपको लिखना है। ठीक है, ऐसे ही आपको थ्री लाइन्स में लिखना है बच्चों, न र म नरम, न र म नरम, ऐसे ही आपको बोलकर भी अभ्यास करना है बच्चों, याद रखिएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमारा वन टाइम हो गया है, अब हम बाकी चार बार लिखेंगे एक एक जगह छोड़कर। देखिए ऐसे ही आपको क्लास वर्क में पांच बार लिखना है। अब हम होमवर्क भी यहीं पर लिख देते हैं। ये देखिए, ये मैंने HW लिखा है और नीचे आज का डेट। होमवर्क भी आपको पांच बार लिखना है बच्चों, एक एक जगह छोड़कर। ठीक है,